अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर दतिया पुलिस ने दबिश देते हुए शराब बनाने के उपकरण सहित लगभग 20 लाख रुपयों की कच्ची शराब जब्त की एवं 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। दतिया पुलिस लगातार अवैध शराब के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दतिया में लाला का ताल करबला के पीछे निर्माणाधीन मकान में मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां से पुलिस को बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण, 6 नीले ड्रम क्षमता 200 लीटर, 3 नीले ड्रम क्षमता 100 लीटर, 11 पेटी प्लेन शराब, 2 पेटी देशी मसाला, 48 क्वार्टर एवं 8 आरोपियों सहित कई सामग्री जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए को बरामद किया। एएसपी कमल मौर्य ने इस कार्रवाई पर पुलिस टीम को इनाम देने की बात भी कही। उक्त कार्रवाई में कोतवाली टीआई रत्नेश यादव, बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा, सिनावल थाना प्रभारी भूमिका दुबे की विशेष भूमिका रही। दतिया से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।